हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मित्र के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में आप लोग देखते हैं एक ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर, 30-35 एम्पलीफायर ठीक करेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से एम्पलीफायर को ठीक करते हैं इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर कर। तो बने रहें वीडियो में। वीडियो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेना, इससे रेफरेंस रेट का वीडियो आप लोग को मिलती रहती है। तो मीटर की मदद से हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिस्टर को। तो आप लोग देख सकते हैं जब हमने इसके वायर निकाल लिए हैं, मतलब सोल्डरिंग पर हटा लिए हैं, और इस ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं तो ये हमारे शॉर्ट दिखा रहा है। कैसे भी पिन पलट के लगा रहे हैं, अगर चिमटी किसी भी तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ये सुई इसकी उठ रही है मीटर की, तो हमारा ये शॉर्ट है फ्रेंड। तो इस ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे, तो खोल लेते हैं और कर लेते हैं चेंज फटाफट। थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया मैंने, जिससे आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको आसानी से दिखा सकें हम। तो ये ट्रांजिस्टर हमने निकाल लिया है, और एक बार सही से मीटर से चेक करा के दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए दोस्तों। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, जिस तरफ भी हम इसकी पिन लगाएंगे उस तरफ हमारा ये सुई उठेगी, तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है दोस्तों। तो दिखा देता हूँ आपको मीटर के सामने ले जाके। तो हमने ये अर्थिंग लगा ली इस टाइम, और दोनों पिनों पर लगाते हैं इसकी चिमटी। तो यहाँ भी हमारी सुई उठ रही है और यहाँ भी उठ रही है हमारी सुई। तो हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। और पलट के एक बार और दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। तो हमारी सुई उठ रही है, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है। तो इस ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बने रहें इस वीडियो में। और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा करें दोस्तों, बस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। तो ट्रांजिस्टर हमने ले लिया है, और इसकी जो हमारी ये पैकिंग है, पैकिंग को ऐसे ही लगा लेना है इस तरीके से। पैकिंग को लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना हमारे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा। ये पैकिंग इसी हमारे होती है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। तो पैकिंग लगा ली है हमने, और ट्रांजिस्टर को कस लेते हैं अच्छे तरीके से। कसने के बाद, फिटिंग करने के बाद कि कनेक्शन कैसे करने हैं, यही बता दूँ आपको। जो हमारे इसमें चार ट्रांजिस्टर होते हैं फ्रेंड, बराबर बराबर दो दो ट्रांजिस्टर बराबर बराबर होते हैं। तो हमारे जो एक इसके कनेक्शन है वो सेम देख के करना है। जैसे कि हमारा ये अगर येल्लो वाला वायर है दोस्तों, तो येल्लो वाला वायर हमारा ऊपर वाली पिन पर लगा हुआ है इस तरीके से, तो ऊपर वाली पिन पर लगाएंगे। और रेड वाला हमारा नीचे वाली पिन पर लगा है, तो नीचे वाली पिन पर लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारा हो सकेगा कनेक्शन दोस्तों। सॉरी, रेड वाला तार हमारा इस वाली इस पर आएगा ग्राउंड पे, और ब्लैक वाला आएगा नीचे, इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन सेम देख के लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों कनेक्शन में। और कनेक्शन को एक बार चेक कर लेना है लगाने के बाद कि हमारे सही है नहीं। अगर हम चेक नहीं करते हमारा ट्रांजिस्टर उड़ सकता है दोस्तों। तो चेक कर लेते हैं एम्पलीफायर को, और वीडियो को दिखाता हूँ आगे। तो हमने लगा लिया इस तरीके से एम्पलीफायर कर लिया है, और ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं इसमें, और आपको चला कर दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। तो कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ हम इस तरीके से, और किसी भी इसी चीज़ से हम सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं आपको यूट्यूब से या किसी भी चीज़ से। तो कर लेते हैं इसमें सॉन्ग प्ले, और आपको चेक करा के दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो हमारी अभी ब्लूटूथ सही से कनेक्ट नहीं हुई है, तो कर लेते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट सही से, देख सकते हैं आप लोग। सही से ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं, जो ये हमारी कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों, हो चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।